बड़ी खबर बिहार के मधेपुरा डीएम की गाड़ी फूलपरास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें एक महिला एक बच्चा समेत तीन लोगों की मौत हो गई तथा एक घायल व्यक्ति को इलाज के लिए रेफर कर दिया है। बिहार में मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे मधेपुरा डीएम की गाड़ी फूलपरास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बताया जाता है कि मधेपुरा डीएम की गाड़ी पटना से जा रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार उस समय सड़क पर एनएचआई के कर्मी सड़क पर सफ़ेद पट्टी पेंट कर रहे थे और एकाएक एक महिला और एक बच्चा सड़क पर आ गया, जिसे बचाने के लिए डीएम की गाड़ी के ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी और गाड़ी के चपेट में एक महिला एक बच्चा समेत चार लोग आ गए, जिनमें से तीन लोगों की मौत हो गई घटनास्थल पर ही और एक अन्य की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर किया। मधेपुरा डीएम की गाड़ी मधुबनी के फूलपरास थाना के पास फोरलेन पर हुई दुर्घटना। मधेपुरा डीएम की गाड़ी अभी भी वहीं लगी है। आक्रोशित लोगों ने NH57 को जाम कर दिया है। हालांकि डीएम की गाड़ी में डीएम थे या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दुर्घटना के बाद डीएसपी परास के नेतृत्व में पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है और मामले की जांच कर रही। बिहार से स्टेट हेड देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। सुबह 8 बजे में पटना से मधेपुरा जाने के क्रम में जिला पदाधिकारी मधेपुरा की गाड़ी से फूलपरास में NH57 पर ठोकर लग गया, जिसमें तीन लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है, जिसकी इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। यह घटना 8 बजे की है। आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क जाम कर मुआवजा और सर्विस सड़क की मांग की जा रही है। SDO और DSP दोनों घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। घटना के पीड़ित परिवार से वार्ता कर रहे हैं।